तो दोस्तों हम आ चुके हैं कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल के पास और आपके सामने है हैलेट का नया ट्रॉमा सेंटर। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ट्रॉमा सेंटर इधर है, ये सामने की वो बिल्डिंग है जो ख़राब हो चुकी है और यहाँ से लोगों को खाली करा दिया गया है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे और इसका उद्घाटन करके गए। तो हमें यहाँ पे इनवाइट किया ब्रदर मीत ने और मैं दिखाता हूँ कि ब्रदर मीत अभी कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। चलिए ब्रदर मीत से मैं आपको मिलाता हूँ, जिन्होंने आज हमें चिकन बर्रा की पार्टी में बुलाया है। तो दोस्तों ये हैं हमारे ब्रदर मीत और देखिए ये यहाँ पे खड़े हुए हैं चिड़िया के पिंजड़े के सामने। उन्होंने बहुत सारी चिड़िया पाली हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बर्ड्स इनके पास हैं। तो ब्रदर मीत क्या चल रहा है आज? तो ब्रदर आप बताएं कि आज की पार्टी में आप क्या धमाका करने वाले हैं? बहुत धमाका। जरा कुछ जलवा दिखाएंगे उस धमाके का? दिखाइए। तो दोस्तों आज की पार्टी के लिए अरेंजमेंट में ब्रदर मीत ने रखा है चिकन बर्रा। ये देखिए यहाँ पे ये मैरिनेटेड चिकन और ये रहा हमारा बारबेक्यू विद चिकन बर्रा। ये देखिए किस तरीके से सीके लगाई गई हैं और यहाँ पे चिकन सिकता हुआ। ये देखिए ब्रदर के हाथ में कितनी सारी सीके और हैं जो अभी और लगेंगी। ये सारा चिकन इन्हीं सीकों में लग करके आ सकेगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रदर मीत की चिड़ियों के पास। ये देखिए कितनी सारी लव बर्ड्स हैं यहाँ। वापस आते हैं अपने चिकन की तरफ। ये देखिए चिकन बर्रा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिकता हुआ शानदार। ये देखिए अभी सिर्फ चार सीख ही लगी हैं और सीख हम लोगों ने लगाई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये शाम ढलती जाएगी सीख बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे सारा चिकन जो अपने पास है वो सब जो है इसमें लग जाएगा। ये देखिए चिकन के ऊपर बटर लगता हुआ। ये देखिए यहाँ पे मुग़ल बादशाह के दरबार से मंगाई गई थाली है ये, जिसमें यहाँ चिकन सजाया गया है, फ्रेश क्रीम रखी गई है, चटनी लगाई गई है और ये प्लेट मेरे लिए तैयार कर दी गई है। हम लोग अभी इसमें और कोयला लगा रहे हैं ताकि और ज़्यादा सीके लगा सकें, लेकिन मैंने भी एक पीस खा के देखा है, बहुत ही अमेजिंग बना है, बहुत ही स्वादिष्ट, मज़ा आ गया है। तो चिकन बर्रा हमारे पास यहाँ पे प्लेट पे निकल के आ चुका है और अब इसको हम सर्व करने जा रहे हैं। आइए इसका फीडबैक ले लेते हैं। थैंक यू। तो भाभी प्लीज एक बार खा के बताइए कि ये कैसा बना हुआ है, जरा फीडबैक तो लिया जाए। बहुत डिलीशियस दिख रहा है ये और एकदम गरम गरम है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल अभी अभी बस तंदूर में से निकल कर आ रहा है ये। और हमारे साथ इसमें चिकन के साथ इसमें चटनी है और इस पर नींबू डाला गया है और दीदी ने हमारी इस पर चाट मसाला भी डाला है इसको और डिलीशियस बनाने के लिए। क्या बात है। अच्छा मैं एक छोटा सा पीस ले रही हूँ और ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी गया है, बहुत आसानी से ये टूट गया है। जरा खा के बताइए कैसा है। अब चटनी में डिप कर रहे हैं। ओहो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओहो माइंड ब्लोइंग, गजब गजब, वेरी डिलीशियस, बहुत ही तूफानी बना है, बहुत ही तूफानी, गजब, बहुत ही स्वादिष्ट। तो जितना मैं खा रही हूँ और ज्यादा पानी आता जा रहा है, मैं अपने आप को और रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा।